परमात्मा है ही है। परमात्मा के बारे में हमने तो ये देखा है कि ये बाबा नहीं है, ये कोई साधु नहीं है, ये संत नहीं है, ये साकार परब्रह्म परमात्मा है जिसको दर्शन देते हैं, जिनकी नजर में पड़ते हैं। अरे कोई बस की बात नहीं, तो भगवान है ही ये साक्षात। राजस्थान के करौली में भी सत्संग चलाने वाले भोले बाबा का मजबूत कनेक्शन निकला है। करौली में भी बाबा के हजारों अनुयायी हैं जो बाबा को भगवान से भी ऊपर मानते हैं और हर सत्संग में बाबा के प्रवचन सुनने के लिए करौली से बसों में भरकर जाते हैं। करौली में बाबा के भक्तों ने कई ऐसे दावे किए हैं जिन्हें सुन आपके होश तक उड़ सकते हैं। मंदिर में जाते हो भक्तन, कहाँ कौन से मंदिर में नहीं हुई, कौन से मंदिर में ना हुई? एक बार बताओ, हर साल दुर्घटना होती है। अरे यार भक्तन मछी है, ये तो अनहोनी है। वो बाबा परमात्मा है, बाबा ईश्वर है, तो बाबा को सब पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर बाबा को ये बात पता था तो बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया? मेरे को करीब 15 साल करीब हो चुके हैं सर, और सत्संग में काफी बार में कहीं कहीं दूर दूर तक सबका साथ ही किया है। और मुझे गुरु जी की कृपा से सब कुछ मिला है जो मैंने नहीं सोचा था, और आने जाने से मेरे को बहुत लाभ। धूप अगरबत्ती के इनके यहाँ कोई दाता नहीं, ना हम कोई धूप वगैरह लगाते ना अगरबत्ती लगाते हैं, ये वो केवल नमन करते हैं प्रभु जी का। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा की जय जयकार। पहले तो हम जो देवी दुर्गा को मानते थे, हमारी जो कुल देवी उनको मानते थे, उनकी भी जो सत्संग होता है उसमें सच्चाई के रास्ते पर चलने के बात बताते हैं, मानव मानव से प्रेम करना बताते हैं, और किसी के अक्षत आना कानी के सब भी बताते हैं। करौली में 2 जनवरी 2024 को हुआ था, उसमें लाखों की तादाद में संख्या ऑल इंडिया से महापुरुष आए थे, और जो सेवा कर्म यहाँ अपन की हिंडौन कमेटी और करौली कमेटी के द्वारा सबका साथ हुआ था,